तो ये है Hyundai की नई वेन्यू, ये है 2022 का लेटेस्ट वर्जन। ये देख सकते हैं इसका फेसलिफ्ट वर्जन है। तो इसकी जो ग्रिल है वो अपडेट हुई है, हेडलाइट्स भी अपडेट हुई है। जो ग्रिल है पहले से ज़्यादा क्रोम यूज़ किया है इसमें और थोड़ी बोल्ड डिज़ाइन देने की ट्राई की है। सही लग रही है मेरे को तो। वैसे आप लोग कमेंट्स में बताइए आपको फ्रंट लुक कैसा लग रहा है इसका। वैसे गाड़ी का टॉप वेरिएंट नहीं है, आप देख सकते हैं इसके जो व्हील्स है ये स्टील रिम्स है। तो इसका वर्जन है मेरे हिसाब से एस वर्जन है। मैं अभी क्रेटा को सर्विस कराने लाया हुआ था तो ये यहाँ पर खड़ी है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं। बैक प्रोफाइल मुझे इसकी पहले से काफ़ी बेटर लग रही है, आप देख सकते हैं। इसकी टेल लैम्प्स जो है ना यार, काफ़ी ज़्यादा सही लग रहे हैं। ये पूरे LED टेल लैम्प्स है और कहीं ना कहीं मुझे Volkswagen Tiguan की याद दिला रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप बैक लुक भी मुझे बताइए कैसा है। मोस्टली तो ये S वेरिएंट ही है, एकदम शॉर्ट वीडियो रहने वाला है, ज़्यादा डिटेल एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं इंटीरियर कार का कुछ ऐसा है, ड्यूअल टोन इंटीरियर देने की Hyundai ने मतलब नई ट्राई मारी है। पहले से ज़्यादा केबिन मुझे है ना एरी लग रहा है, तो ये भी सही चीज़ है। मटेरियल क्वालिटी आप देख सकते हैं और स्टीयरिंग व्हील इसका ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रहा मुझे क्योंकि टॉप मॉडल नहीं है। तो इसका क्रेटा वाला स्टीयरिंग व्हील नहीं है इसमें, जो i20 और क्रेटा में आता है। तो इसमें देख सकते हैं कंट्रोल्स और ये सब। बैक लुक गाड़ी का कुछ ऐसा है, स्पेस की कमी है लेकिन एयरवेंट्स देखने को मिल जाते हैं। ये एस वेरिएंट है तो नी रूम और वो सब तो ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, लेकिन ये SUV जैसी हैचबैक है यार। स्पेस तो सेम ही है जो पहले थी। ये कनेक्टिंग LED जो है ये इसका नया लुक है यार। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका फुल्ली डिजिटल है, तो यार ये सही चीज़ है, काफ़ी ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें मैनुअल है क्योंकि सनरूफ नहीं है। सही लग रहा है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर।